हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बेहतरीन इंग्लिश का सटील मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ बेटा। और किसके किसके लिए बेटा? क्लर्क के लिए और किसके लिए? टेक्निकल के लिए। इंग्लिश के बेहतरीन 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो हूबहू 17 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम में डिट्टो यही आएगा। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम चलते हैं, आप डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर इतनी समय आपके लिए बेहतरीन ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। और आप जो है कांटेक्ट करें 9696330033 पर और आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी, लाइव क्लास, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट, नोट्स, PDF। तो देर क्यों, तो जल्दी से आप कांटेक्ट करें और एडमिशन ओपन है 50% डिस्काउंट के साथ। तो आप मौके का फायदा उठाएं, लाभ लें। तो चलें बेटा, क्लर्क के लिए बेहतरीन 25 क्वेश्चंस में शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, द ऑफिशियल मेड मी। याद रखना बेटा, अगर कहीं भी मेड आया है तो उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मेक, मेक्स, मेड के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट का क्या हो जाएगा? यह ए हो जाएगा, फिल। द ऑफिशियल मेड मी फिल अ फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकंड, सी बिलोंग्स, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा। याद रखिए, बिलोंग्स के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड का सी हो जाएगा। सी बिलोंग्स टू हरिद्वार, वह हरिद्वार की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड, मेलोडियस लता मंगेशकर। याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर बेटा प्रॉपर नाउन आया हुआ है, कैसा बेटा? प्रॉपर नाउन आया हुआ है, तो प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो बेटा याद रखिएगा कि द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड का हमारा ऑप्शन बेटा सी हो जाएगा। द मेलोडियस लता मंगेशकर इज जज्ड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु। बेटा हु के बाद में जो वर्ब आता है, हु के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर यह है प्लूरल नाउन है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा, यानी आर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ ये जो वर्ब आएगा वह आएगा किसके अकॉर्डिंग? वन के अकॉर्डिंग आएगा। तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन में देखिए, और पहले आएगा, इज बाद में आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है बेटा? फोर का बी हो जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन बेटा, याद रखिएगा, जिस कंट्री में यूनाइटेड या यूनियन, याद रखिएगा, जिस कंट्री में यूनाइटेड या यूनियन का सेंस है, तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द USA के साथ में आर्टिकल द आएगा। बेटा रिचेस्ट जो है क्या है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री है। याद रखिएगा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो फाइव का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। द USA इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री की पहचान लास्ट में EST आएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? द आएगा। और USA जिसमें यूनियन और यूनाइटेड का सेंस होगा, उसी कंट्री के पहले द आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा।
अब हम चलेंगे बेटा 5-6 नंबर क्वेश्चन पर। वेट फॉर मी बिटवीन, बेटा बिटवीन के साथ में याद रखना अगला जो कंजंक्शन आएगा एंड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 6 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करें, बिटवीन 10 AM एंड 10 AM, सॉरी यहाँ 10 AM और यहाँ पर 10 PM होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ बिटवीन के साथ में क्या आएगा, अच्छा 11 AM तब तो सही है, यहाँ 10 से 11 बजे के बीच में आप मेरा इंतजार करें, तो यहाँ एंड का प्रयोग किया जाएगा। तो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन, द हायर यू गो, तो बेटा यहाँ हायर कॉम्परेटिव डिग्री है, आर्टिकल द आया है, तो उसी प्रकार से जब कूलर जो है यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री आया है तो यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाएगा। एरर हमारा बी में है बेटा, तो समान रूप से बढ़ते हुए समान रूप से घटते हुए क्रम के लिए द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, तो द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो बी में कूलर के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ दीज फ्लैट्स, ये जो आर आया है इस आर का सब्जेक्ट क्या है, कंडीशन है बेटा। तो बेटा याद रखना ये जो कंडीशन होता है ना बेटा यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अगर कंडीशन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो सी पार्ट में एरर है, द कंडीशन ऑफ दीज फ्लैट्स इज गुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 नंबर, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनमानी होता है, मनमौजी जिसको कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम, इम्पीरियस हो जाएगा। मनमौजी होता है, मनमानी होता है, असभ्य होता है, रेशनल मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, यह तार्किक हो जाएगा, रीजनेबल मीन्स तार्किक, पार्शियल मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, निष्पक्ष हो जाएगा, तो आर्बिट्ररी का क्या हो जाएगा हमारा सिनोनियम डी वाला हो जाएगा, इम्पीरियस हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, लेथार्जिक मीन्स क्या होता है बेटा, लेथार्जिक मीन्स होता है बेटा आलसी होता है, क्या होता है आलसी, इसी को हम क्या कह सकते हैं, लेजी कह सकते हैं और इंडोलेंट कह सकते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, इनएक्टिव कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सिनोनियम होगा वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा बेटा ये बी वाला, 10 का बी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। लेजी मीन्स भी क्या होता है आलसी, एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, ऊर्जावान होता है, तो यह इसका एंटोनियम हो जाएगा। लीथल मीन्स क्या होता है बेटा, लीथल मीन्स घातक होता है, और लीगल मीन्स क्या होता है बेटा, लीगल मीन्स कानूनी होता है, तो इस प्रकार से 10 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 जेनिथ का क्या बताना है आपको, अपोजिट वर्ड बताना है, यानी एंटोनियम आपको बताना है। जेनिथ मीन्स क्या होता है बेटा, जेनिथ मीन्स चोटी होता है, जिसको हम टॉप कह सकते हैं या हम क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा इसका एंटोनियम, तो 11 का हमारा ए हो जाएगा बेटा, बॉटम हो जाएगा। देखिए अपेक्स मीन्स क्या हो जाएगा, अपेक्स मीन्स चोटी हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिनोनियम हो जाएगा। सैलो का मतलब क्या होता है बेटा, सैलो का मतलब होता है कम होता है, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को हम छिछला भी कह सकते हैं, और टॉप क्या हो जाएगा, यह सिनोनियम हो जाएगा। टॉप मीन्स भी क्या होता है, चोटी होता है, तो जेनिथ का मतलब चोटी होता है, ऊंचाई होता है, तो बॉटम का मतलब ताला, निचला भाग होता है, तो अपोजिट हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग की पूरी फैसिलिटी है, वेल इक्विप्ड ग्राउंड है, वेल ट्रेंड जो है ट्रेनर हैं, तो आप आएं और MKC का हिस्सा बनें और लाभ लें। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेक, तो फेक का क्या करना है, अपोजिट मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है,
फेक मीन्स क्या होता है बेटा, नकली होता है। तो जब नकली होता है तो यहाँ पर रियल हो जाएगा। रियल मीन्स क्या होता है बेटा, रियल मीन्स असली होता है, या हम इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, वास्तविक कह सकते हैं। तो फेक का क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट हमारा रियल हो जाएगा। फैंसीफुल मीन्स क्या होता है, फैंसीफुल मीन्स होता है बेटा काल्पनिक होता है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, नकली होता है या जाली होता है, यह इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिनोनियम हो जाएगा। रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत होता है, यह भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो एंटोनियम 12 का हमारे पास एक ही है, वह क्या हो गया बेटा, रियल हो गया। तो अब हम चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। विगोरस का मतलब क्या होता है, विगोरस मीन्स क्या होता है बेटा, शक्तिशाली होता है। क्या होता है, शक्तिशाली, जिसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, पावरफुल कह सकते हैं, या हम इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। तो यहाँ इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फीबल हो जाएगा। फीबल मीन्स क्या होता है बेटा, कमज़ोर होता है। तो फीबल मीन्स कमज़ोर हो जाएगा, हम जिसको हम वीक कहेंगे। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्वच्छ होता है, इस सुंदर होता है। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर होता है। और ईगर मीन्स क्या होता है बेटा, ईगर मीन्स होता है उत्सुक होता है। तो इस प्रकार से 13 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक एंड स्पैन का क्या करना है, ईडियम्स एंड फ्रेज। तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है बेटा, साफ सुथरा होता है। हम क्या कहेंगे बेटा, साफ सुथरा कहेंगे स्पीक एंड स्पैन। तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो 14 का ए हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आउट स्पोकन का मतलब क्या होता है, वाकपटु होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, रेडीमेड थिंग। और गैरुलस का मतलब क्या होता है, वाकपटु होता है या बातूनी होता है। ओके बेटा, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यह बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन जिसको कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का अध्ययन। या हम इसी को समझने के लिए हम इसी को मानव विज्ञान भी कह सकते हैं। तो एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, एंथ्रोप मीन्स होता है बेटा मानव होता है। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है, तो मानव का अध्ययन। पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, रोग विज्ञान होता है। अब बेटा फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, शरीर विज्ञान होता है। फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, शरीर विज्ञान होता है। फिलोलॉजी मीन्स क्या होता है बेटा, फिलोलॉजी मीन्स होता है भाषा विज्ञान होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके बेटा, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा, आप जो है हमारे यहाँ एमकेसी प्रेप टेस्ट ऐप, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करें। और हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को जो है टेस्ट होता है एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप पर। और हमारे यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, जहाँ से क्वेश्चंस 17 अप्रैल को आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे इस मॉडल पेपर से प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। तो 99 रुपीज़ में 10 सेट्स है, 199 रुपीज़ में 20 सेट है, और 299 रुपीज़ में 30 सेट्स है। तो आएँ और लाभ लें। तो यहाँ करेक्टली स्पेल्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, उद्यमी होता है। तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग जो है डी वाला करेक्ट है।
ए बी सी जो है इनकरेक्ट है। अब हम चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर देखिएगा सी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड का ये सी वाला हो जाएगा, द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाई हर हो जाएगा। अब देखिए द चाइल्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड हो गया, और प्रेजेंट में है तो इज हो गया, और सी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हर हो गया, और प्रेपोजिशन आफ्टर है तो आफ्टर सेम वर्ब के बाद ही आएगा और बाई प्रेपोजिशन आ जाएगा। तो 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन बेटा क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। अब यहाँ पर जरा देखिएगा बेटा, ही सेड टू मी डू यू वांट टू डांस, तो बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो याद रखना बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेट टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में चेंज किया जाता है। अब देखिए इसमें सेड आया है, इसमें सेड आया है, यह ए और बी नहीं होगा, यहाँ इंक्वायर्स आया है ये भी नहीं होगा, आस्क्ड केवल एक ही में आया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। जेनी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन बेटा इफ का प्रयोग किया जाता है, और याद रखना कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट यू है, यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वांट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, वांटेड हो जाएगा, तो आई वांटेड टू डांस। तो जेनी आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू डांस, 18 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बेटा हम चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन पर। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या आया है, पी क्यू आर एस आया है बेटा। पी क्यू आर एस में हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, द प्लेयर, तो द प्लेयर ही आएगा फर्स्ट नंबर पर। इसके बाद आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज, इसके बाद थर्ड नंबर पर क्या आएगा, यस प्लेइंग क्रिकेट, फिर फोर नंबर पर क्या आएगा, इज विराट कोहली, तो आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, यह हमारा सी वाला हो जाएगा। तो द प्लेयर हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज विराट कोहली, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर। बेटा 20 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, पी क्यू आर एस है, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ही आएगा, इसके बाद क्या आएगा, स्टूड, सेकंड नंबर पर क्या आएगा, स्टूड आएगा, थर्ड नंबर पर क्या आएगा बेटा, एट द डोर आएगा, और फोर नंबर पर क्या आएगा, व्हेन आई अराइव्ड, तो ही स्टूड एट द डोर व्हेन आई अराइव्ड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर। अब क्यू पी एस आर किस में आया है, ये हमारे ए ऑप्शन में आया है, तो 20 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देखें, ही स्टूड एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा था, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा हमारे यहाँ मेडिकल की सारी फैसिलिटीज़ हैं, बॉडी चेकअप की सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं अवेलेबल, और आप जो है किसी भी क्वेरी के लिए 9696330333 पर आप कॉल करें और लाभ लें। तो चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले कॉम्प्रहेंशन पैसेज को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, क्लर्क में दो पैसेज आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा वह कॉम्प्रहेंशन पैसेज का होगा। कॉम्प्रहेंशन पैसेज से कभी भी दूर मत भागिएगा, बहुत ही आसान होता है, बस वर्ड मीनिंग तैयार कर लीजिए, 40 में 40 आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। राइटर कह रहा है कि हृदय जो होता है वो मनुष्य के शरीर का मुख्य अंग होता है। द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी।
तो जो हार्ट है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, उसका मुख्य कार्य होता है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना होता है, सर्कुलेट करना होता है। All the body's cells need a constant supply of oxygen. तो शरीर की जितने भी सेल्स कोशिकाएं होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से रक्त संचार की आवश्यकता होती है। Supply of oxygen, रक्त के संचार की निरंतर आवश्यकता होती है। जितने भी हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं नशे होती हैं पार्टिकुलरली इन द ब्रेन, और मुख्य रूप से जो हमारे मस्तिष्क दिमाग की जो नसें होती हैं उनको तो सबसे ज़्यादा जो है रक्त के संचार की आवश्यकता होती है। द ब्रेन सेल्स लिव ओनली 4 to 5 minutes, क्वेश्चन आया हुआ है। दिमाग की कोशिकाएं केवल 4 to 5 minutes जीवित रह सकती हैं आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ। ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर बंद हो जाए तो केवल 4 to 5 minutes तक इंसान का दिमाग जीवित रहता है, इसके बाद वह मर जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा केस आप देखते होंगे ब्रेन डेड का होता है। एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी, और पूरे शरीर में मृत्यु समा जाती है, मतलब ब्रेन डेड हो गया तो पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हेड ऑफिस तो वही है ना बेटा ब्रेन। हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, द वॉल्व्स आर द पेसमेकर। तो देखिए हार्ट, दिल की बीमारी जो होती है वह जो हार्ट मसल्स होती हैं, हृदय में जो कोशिकाएं होती हैं उनके क्षतिग्रस्त होने के कारण होती है। और जो वॉल लगे होते हैं, देयर आर 4 walls इन आवर हार्ट, हमारे हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं, 4, वही वॉल्व जब डैमेज हो जाते हैं तब फिर दिल की बीमारी शुरू हो जाती है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट, इफ द मसल इज डैमेज द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपरली, और अगर हार्ट की मसल्स जो है डैमेज हो जाएंगी तो फिर हार्ट जो है वह रक्त का संचार नहीं कर पाएगा, वो पंपिंग जो है नहीं कर पाएगा। इफ द वॉल्व्स आर डैमेज्ड, अगर वॉल जो है 4 walls होते हैं बताया हूँ, अगर वॉल डैमेज हो गया है, ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, तो रक्त जो है सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो सकता है। डॉक्टर जॉन गिब्सन ऑफ यूएसए डेवलप्ड अ मशीन इन 1953, ईयर याद रखिएगा क्वेश्चन में आया है, 1953 में डॉक्टर जॉन गिब्सन जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया था दैट कुड टेक ओवर द टेम्पोरली फ्रॉम द हार्ट, जो कि हृदय के स्थान पर अस्थायी रूप से हृदय का कार्य कर सकता है। सर्जन्स हैड द चांस टू रिपेयर द रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट, तो इस प्रकार से जो सर्जन लोग होते थे वह हृदय के स्थान पर उस नकली हृदय को जो कि 1953 में जॉन गिब्सन ने आविष्कार किया था उसको लगा देते थे, और फिर असली हृदय को क्या करते थे, रिपेयर कर देते थे, और फिर आर्टिफिशियल हार्ट को हटा करके और फिर ओरिजिनल हार्ट को लगा देते थे। मेनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वॉल्व्स, बहुत सारे पेशेंट के पास प्लास्टिक के वाल्व होते थे, इंसर्टेड इन देयर हार्ट्स, जो कि उनके हृदय में वॉल्व के स्थान पर लगाया जाता था। व्हेन देयर हार्ट्स आर फॉल्टी, जब उनके हृदय में कोई भी कमी क्षतिग्रस्त हो जाता था। मेनी पीपल आर नॉट बीइंग केप्ट अलाइव विद टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर, लेकिन बहुत सारे लोग उस छोटी बैटरी से संचालित जो वाल्व होते थे, जो हृदय के यंत्र होते थे, उससे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते थे। छोटी बैटरी रहती थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वाल्व खराब हो गया तो इंसान की डेथ हो जाती है।
तो चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट, यदि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है, द ब्रेन सेल्स, जो ब्रेन का सेल्स होता है, कितने समय तक जीवित रहता है? 4 to 5 minutes। तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। तो ब्रेन की जो है, अगर रक्त की सप्लाई बंद हो जाएगी तो 4 to 5 minutes ही जीवित रह सकता है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, हृदय जो है शुद्ध रक्त को कहाँ भेजता है? इंटायर बॉडी में भेजता है, सी वाला हो जाएगा बेटा, बताया गया है वहाँ। तो हृदय जो है रक्त का संचार पूरे शरीर में करता है, इंटायर का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है, पूर्ण शरीर में करता है। ओके बेटा, तो चलिए बेटा 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 23rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर जॉन गिब्सन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट। तो यूएसए, अमेरिका के जॉन गिब्सन कब जो है आविष्कार किए थे नकली हार्ट का? 1953 में किए थे। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी हृदय का निर्माण, 1953 में किए थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, हार्ट डिजीज अकर फ्रॉम, तो हृदय की, दिल की बीमारी कहां से होती है? तो वो होती है डैमेज टू द हार्ट मसल्स। दिल की बीमारी क्यों होती है? जब हार्ट के मसल्स जो है डैमेज हो जाते हैं तो हार्ट की बीमारी हो जाती है। तो 24 का हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 क्या है बेटा, ऑल द बॉडी सेल्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई, पूरे शरीर को किसके सप्लाई की जरूरत होती है, किसके आपूर्ति की जरूरत होती है? तो बेटा वह हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो 25 का हमारा हो जाएगा डी, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा, तो पूरे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति संचार की आवश्यकता होती है। तो बेटा बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप सभी लोग एमकेसी का हिस्सा बने। जय हिंद।